पुनासा नगर परिषद चुनाव के नतीजे आते ही भाजपा खेमे में जश्न का माहौल है। भाजपा के 8 प्रत्याशी जीते तो कांग्रेस को मात्र 2 प्रत्याशियों की जीत से ही संतुष्टि करना पड़ी। वहीं जैसा कि पहले ही बताया जा रहा था कि 5 निर्दलीय चुनाव जीतकर अपनी जगह परिषद में बना चुके हैं। हालांकि भाजपा के 8 प्रत्याशियों के जीतने के बाद भाजपा की नगर सरकार बनना लगभग तय मानी जा रही है। मानधाता विधायक नारायण पटेल का बड़ा दाव माना जा रहा है। मुंदी से शाहरुख मंसूरी की रिपोर्ट। नगर पंचायत में मतदाता भाइयों एवं बहनों ने भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत देकर ये सिद्ध कर दिया कि हमारे जननायक मोदी जी और किसान पुत्र शिवराज सिंह की सारी योजनाएं जनता के हित के लिए है। जैसा हम पहले भी आपको कहते थे कि हम सबका साथ लेते हैं, सबका विकास करते हैं और सबका विश्वास जीतकर प्रजातंत्र में जनता के बीच जाते हैं और जनता हमको प्रचुर आशीर्वाद देती है। बोलो भारतीय जनता पार्टी। पुनासा नगर परिषद पहले चुनाव में भाजपा की सरकार बनने जा रही है, कांग्रेस को इतने कम, ऐसा क्यों? देखो, पहले तो जो आज परिणाम आए हैं ये चौंकाने वाले परिणाम हैं। निश्चित भाजपा ने बढ़त पाई है, भाजपा को इस जीत की हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन भाजपा को भी आत्ममंथन की जरूरत है। 4 इंडिपेंडेंट, 1 टाई, भाजपा को भी जो जनादेश मिला है वो भी कोई बहुत संतोषजनक नहीं। जिस हिसाब से पुनासा भारतीय जनता पार्टी का गढ़ हुआ करता था, वहाँ पे 6 सीटें अभी बाहर जाना और 1 पर टाई होना, ये बहुत कुछ दर्शाता है। क्या मानते हैं कांग्रेस की इतनी कम सीटें आने का क्या कारण हो सकता है? विश्लेषण करेंगे, मंथन करेंगे कि आखिर हम क्या, किन कारणों से हारे हैं। चूंकि नया चुनाव था और पहले भी भारतीय जनता पार्टी पुनासा में यूं भी मजबूत थी, पुनासा तो गढ़ी था। दौलतपुरा जब ग्राम पंचायत हुआ करती थी, कांग्रेस वहाँ से जीतती थी, वहीं से हमारे 2 पार्षद जीत के आए हैं, रिकॉर्ड बताता है। पुनासा तो 1000 वोट से हारने वाला हमारे लिए, कांग्रेस के लिए वो पोलिंग थे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।